नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंबाला में सेवाओं के 70 वर्ष पूरे होने पर आयोजित महोत्सव की पूर्व संध्या पर एक कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में 21 ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कलश स्थापित कर यात्रा प्रारंभ की, जो कि पन्ना कॉटेज स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम जगदम्बा भवन आश्रम मुख्य बीक संगीता रानी के निर्देशन से शुरू होकर सदर बाजार से होते हुए निगार सिनेमा निकोलसन रोड से निकल गीता गोपाल चौक आते हुए वापस जगदम्बा भवन पन्ना कॉटेज पर समाप्त हुई। इसमें ब्रह्मा कुमार भाइयों ने ध्वज लिए हुए इस यात्रा का नेतृत्व किया, साथ ही बहुत सुंदर बैंड का भी आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा का लक्ष्य पूरे शहर में ब्रह्मा कुमारी की ओर से की जाने वाली सेवाओं का और उनके 70 वर्ष पूरे होने पर आयोजित महोत्सव की जानकारी देना रहा। यात्रा का सब शहरवासियों में बहुत उमंग देखने को मिली। यात्रा में शहर के प्रसिद्ध हस्तियों ने भी शिरकत की। अम्बाला से हमारे एडिटर इन चीफ राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।